स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू वन ऑफ द न्यू चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स. ओके, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर. मीन्स हाउ वन ऑफ द न्यू रिलीजन ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड, अबाउट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, सो इस्लामिक लैंड्स हाउ ब्रॉट द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. मीन्स वेन द Muhammad means Prophet Muhammad originated, created the central means the Islamic religion. That is the its concept is depended upon the three different aspects, not only the religion. Okay, so that was the three important aspects. That was religion, community and politics. Means ये तीनों का develop हुआ था उसी समय में. खाली रिलीजन का डेवलप नहीं हुआ था, मतलब रिलीजन ही क्रिएटेड नहीं हुआ था. ओके, सो सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, हियर इस्लामिक लैंड्स ब्रॉट थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. दैट वाज द रिलीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. एंड व्हाट वाज द सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. Semi-historical works such as the biographies, records of the sayings and doings of the prophet. Prophet means this is the hadith, and commentaries on the Quran are available. And large collection of eyewitness reports, that is the akhbar, transmitted over a period of time, either orally or on paper. The authenticity of each report was tested by a critical method called isnad. And Christian chronicles means written in Syriac are fewer, but they throw interesting light on the history of early Islam. Besides chronicles, we have legal texts, geographies, travelogues, and the literary works such as stories and poems. Okay, so these are the different important points. First one is that biographies. बहुत सारा बायोग्राफीज मतलब पता है, जीवनी के ऊपर में लिखा हुआ है. दैट वाज द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग्स एंड डूइंग्स, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो बायोग्राफीज लिखा गया था. एंड कुरान क्या है, इसी से भी हमको बहुत कुछ चीज पता चलता है इस्लामिक लैंड के बारे में. और ये एक ठो आई विटनेस रिपोर्ट, जो कि अखबार, इट वाज आल्सो वन ऑफ द लार्ज कलेक्शन ड्यूरिंग द टाइम. ओके, द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच रिपोर्ट वाज टेस्टेड बाय ए क्रिटिकल मेथड कॉल्ड इस्नाद. मतलब इसका पूरा ऑथेंटिसिटी था, जो कि आई विटनेस रिपोर्ट जो कलेक्ट करके रखा गया है ना, उसका सब कुछ मतलब सारे पेपर्स जो है ना ऑथेंटिसिटी था, जिसका इंपोर्टेंस बहुत था, जिसकी कारण से हमको इस्लामिक लैंड्स के बारे में बहुत कुछ, इस्लामिक रिलीजन के बारे में we can get collect the different so many important informations. And point number 3, Christian chronicles. You know, during the time Roman Empire, only the Christian religion was spread throughout the world, means the through past Roman Empire. Then that it was also the chronicles means already we have discussed, means how the timeline is going on, means up to down and down to up also. There are different events also we have seen. That was the chronicles. So during that time, Christian religion was spread throughout the country, and written in Syriac. ये Syriac language में written मतलब लिखा हुआ था. Are fewer, but they throw interesting light on the history of early Islam. इन क्रिश्चियन रिलीजन का स्प्रेड उस समय में होने के बाद भी लोग अर्ली इस्लाम रिलीजन के ऊपर, रिलीजन जब इस्लाम रिलीजन निकला था उस समय में, इसका अर्ली पार्ट में ये क्रिश्चियन लोग भी बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे. ये क्रोनिकल्स को छोड़ने के बाद देर आर सो मेनी लीगल टेस्ट, ज्योग्राफिक्स, ट्रैवलॉग्स एंड लिटरेरी वर्क्स, मतलब ये सब भी हेल्प किया था. डिफरेंट स्मॉल स्टोरीज एंड ऑल्सो द पोएम्स, ये सारा हेल्प किया था हमारा हिस्ट्री का, कि जो कि जिसके कारण से हमको पता चल रहा है कि इस्लाम रिलीजन कैसा मतलब क्रिएट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है. सो नाउ विल डिस्कस राइज ऑफ इस्लाम इन सऊदी अरबिया. ओके, सो अरब्स बिफोर मोहम्मद. नाउ विल डिस्कस मतलब मोहम्मद से पहले सऊदी अरब में क्या था. Bedouins means nomadic. Okay, so before the Prophet Muhammad, the Arabs were divided into tribes. जिसको बोलाता था कबीला. So Prophet Muhammad से पहले अरब जो है, there are so many categories, means the different types of the categories were there. The Arabs were divided into tribes. That was the kabila.
and a chief was chosen on the basis of his family as well as his personal courage, wisdom and generosity. उस समय में चीफ जो है कि फैमिली का वो ही उनका ही करेज और विजडम और जेनरोसिटी को लेकर के फैमिली चलता था, चूज किया जाता था इन लोगों को. और मेनी अरब ट्राइब्स जो है दे वर द नोमाडिक मींस द बेदुइंस. बहुत सारा अरब ट्राइब्स में बहुत सारा जो ट्राइबल पीपल जो थे ना दे वर द बेदुइंस मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड. किसको नोमाडिक या जाजावर बारबरियंस बेदुइंस बोला जाता है ना, दोज वेर ओनली फॉर कलेक्टिंग द फूड. Those were moving from one place to another place. Means here also given from dry to green areas. They were known as the Bedouins. Some settled in cities and practiced trade or agriculture. कुछ लोग थे जो लोग की मतलब trade और agriculture के लिए एक ही जगह में set हुए थे. Muhammad belongs to tribe known as Quraysi. Understood? Here also it is one of the most important MCQ. You have to remember Muhammad belongs to tribe. That was known as the जो tribe में मोहम्मद ने belong करते थे उसको कुरैसी बुलाता था. Okay? So now we will discuss about the life of Muhammad. Means 571 to 632. That was the time of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was born in Makkah. Muhammad was not prophet during the time. Muhammad was born in Makkah. इन प्रेजेंट डे सऊदी अरबिया, जिसको हम लोग हज बोलते हैं ना, जाते हैं लोग पहले मक्का से लेकर के मदीना तक, क्योंकि ना मक्का से मोहम्मद ने मदीना को आगे थे. व्हाई इट वाज आल्सो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सब टॉपिक. ओके, तो मोहम्मद ने 571 एडी में मक्का में, जो कि प्रेजेंट सऊदी अरबिया में वो जगह है, एक तो मर्चेंट फैमिली में बिलोंग करते थे और पैदा हुए थे. हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग एंड एंड अप लिविंग विद हिज अंकल हु वाज ए मर्चेंट एंड ही बिकेम ए कारावन मैनेजर. एक तो कारावन का मैनेजर थे और उनका अंकल, क्योंकि ना अपना पेरेंट्स का डेथ के बाद ये पूरा लाइफ उनका अंकल के साथ, मतलब जो मर्चेंट थे इन्हीं के साथ ही अपना टाइम मतलब पूरा लाइफ बिताए थे. सो द लाइफ ऑफ मोहम्मद. सी लाइफ ऑफ मोहम्मद. मोहम्मद मैरिड एन ओल्डर विडो नेम्ड खदीजा. ओके, हिज वाइफ नेम वाज खदीजा. ओवर टाइम ही फाउंड द रिचनेस एंड करप्शन ऑफ द मर्चेंट्स एंड टाउन्स पीपल टू बी ट्रेवलिंग. देखो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द रिलीजन क्रिएटेड. फर्स्ट मोहम्मद ने कैसा अपना लाइफस्टाइल किया था, वो कैसा एक मर्चेंट थे पहले, कैसा उसके बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में घुसे, पॉलिटिकल सिचुएशन को भी कंट्रोल किए थे, उसी समय में ये रिलीजन को निकाले थे जो कि आज इतना फेमस इस्लाम मतलब मुस्लिम रिलीजन बोल के हम लोग जानते हैं. सो मोहम्मद का वाइफ जो है खदीजा थे, और ओवर टाइम ही फाउंड द रिचनेस एंड करप्शन ऑफ द मर्चेंट्स एंड टाउन्स पीपल टू बी ट्रेवलिंग. उनको बहुत समय में ये रिच पीपल का जो करप्शन और मर्चेंट्स का जो ट्रेवलिंग, इसके ऊपर में बहुत नजर पड़ा था. ही डिसाइडेड टू विजिट द हिल्स टू मेडिटेट. ये हिली एरिया को भी मतलब विजिट किए, मतलब डिसाइड किए थे विजिट करने के लिए. मुस्लिम्स बिलीव दैट While he was meditating in the hills, he received the revelation from God through the angel Gabriel. Okay, angel Gabriel के माध्यम से उन मतलब इन लोगों का he received the revelation, मतलब कुछ disclosure जिसको बोलाता है, कुछ भी रहस्य उन्मोचन होना, उसी को बोलाता है कि revelation. So यदि hill area के ऊपर में, hilly जगह के ऊपर में यदि meditating करेंगे तो उनको भगवान का रहस्य जो है, भगवान के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा. ये था इन लोगों का मतलब सोच. एंड ड्यूरिंग द टाइम मोहम्मद आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द हिली एरियाज एंड मोहम्मद्स रिविलेशन. मोहम्मद को कैसा रिविल हुआ था, देखो मुस्लिम्स बिलीव द एंजल गैब्रियल टोल्ड मोहम्मद. ये लोग विश्वास करते हैं ये मोहम्मद ने बोले थे टू रिसाइट व्हाट ही हर्ड एंड इट वाज बिलीव्ड दैट अल्लाह हैड ऑलरेडी रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू Moses and Jesus, but now had a final revelation for man. उन लोगों का विश्वास था कि अल्लाह जो है यही सुप्रीम गॉड है एंड वो खुद को रिवील कर चुके हैं पहले से थ्रू द मोजेस एंड जीसस, ये दोनों रोल के माध्यम से. बट नाउ had a final revelation for man. अभी ये एक ठो इंसान के रूप में जो कि अपना रहस्य उन्मोचन करने जा रहे हैं भगवान, जो सुप्रीम पावर अबाउट दैट.
सो दिस फाइनल रिविलेशन बिकेम द रिलीजन ऑफ इस्लाम. जो फाइनल रिविलेशन अभी होगा धर्म के ऊपर में, दैट वॉज द न्यू रिलीजन नेम्ड इस्लाम. इट वॉज सेड बाय मोहम्मद, व्हिच मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड. ओके, इस्लाम का मतलब. देन आया कुरान. देखो हम लोग अभी इस शॉर्टकट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली आई वांट टू गिव द बेसिक नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक थ्रू द डिफरेंट स्लाइड्स. सो द कुरान द होली बुक ऑफ इस्लाम इज रिटन इन अरबिक व्हिच वाज द लैंग्वेज ऑफ मोहम्मद. अरबिक लैंग्वेज इट वाज द लैंग्वेज ऑफ मोहम्मद एंड थ्रू द लैंग्वेज ही रिटन दैट बुक द नेम वाज इज कुरान. एंड द कुरान कंटेन्स इथिकल गाइडलाइंस एंड लॉज बाय व्हिच मुस्लिम्स शुड लाइव देयरली लिव देयर लाइव्स. जिसके माध्यम से, जिसका गाइडलाइन, जिसका दिशा निर्देश के माध्यम से जो मतलब मुस्लिम लोगों को जीने का एक सही रास्ता मिल जाएगा, दैट बुक वॉज नोन एज द कुरान. इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद थ्रू द अरबिक लैंग्वेज. सो द मुस्लिम ऑब्जर्वेंस ऑफ रमादान इज टू कमेमोरेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द होली टेस्ट. सो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द आफ्टर द रिविलेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन यू हैव टू वॉच एंड लिसन टू थ्री टाइम्स, देन यू विल नो वॉट आई हैव टोल्ड हियर एंड वॉट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द सेंट्रल इस्लामिक लैंड. सो स्टूडेंट्स, I think it will more benefit for you. So till then, bye.